हे गाइस, समझते कि हम छो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडीपी व्लॉग्स। तो आज हम लोग लेने वाले हैं मेरे नया R15 यामाहा के V4 की डिलीवरी। आप देख रहे हो पीछे यहाँ पे हमारी बाइक सजा के पूरी रखी हुई है। तो मैंने बाइक ग्लोबल यामाहा से लिया हुआ है। तो थैंक यू दीक्षित भाई आना नहीं चाहते, थोड़े शर्मीले है। थैंक यू अश्विन भाई आप आओगे? नहीं, वो भी शर्मीले है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो अभी जल्दी से बाइक का डिलीवरी लेते हैं, थोड़ा पेपर वर्क है वो ख़त्म करते, बाद में मैं आपको मिलता हूँ। तो चलिए, स्लो मोशन में नहीं उधर, ये हूँ अंदर गैरेज इन करते करो। हाँ, 3 2 यार हमारा बोलवा में मार रहा हूँ। 3 2 1 देखिए दीक्षित भाई आ गए। नहीं भाई, ये तुम्हें लवली भाई सही की चालू से रवा दो चालू। थैंक यू दीक्षित भाई, थैंक यू ग्लोबल हमारा पास। थैंक यू तो हमने हमारी R15 वर्जन 4 की डिलीवरी ले चुका हूँ मैं। जितना आप लोगों को पता है उतना ही मेरी फैमिली मेंबर, मेरी वाइफ और मेरे दोस्तों को पता है, किसी को पता नहीं है मैंने इतना बड़ा सरप्राइज़ अरेंज किया हुआ था। वैसे सरप्राइज़ तो मेरे लिए ही है, उन लोगों के लिए भी थोड़ा छोटा मोटा सरप्राइज़ बोल सकते हो। तो काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा खुश भी था मैं, और थोड़ा मैं मेरी वाइफ को मिस कर रहा था। क्योंकि जब हमने पहली बार 2017 में हमने डिलीवरी ली थी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 500 का, तब वो मेरे साथ थी और आज मैं उसको लेके नहीं आया हूँ क्योंकि मैं पूरा सरप्राइज़ ही रखना चाहता था इसके लिए। इस तो काफ़ी अच्छा है, मुझे पता नहीं कैमरे का एंगल कैसा आ रहा है क्योंकि मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ अभी, इसीलिए मैंने ये बाइक चूज़ किया। और बहुत सारी फैसिलिटीज़ बाइक में अवेलेबल है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हो, ड्यूल चैनल ABS है और साथ में क्विक शिफ्टर भी है। तो इसीलिए मैंने ये बाइक लेने का सोच लिया है और मैंने ये रूटीन यूज़ के लिए लिया हुआ है। तो 155cc का इसमें इंजन है, तो पावर पिकअप काफ़ी अच्छा है और रेगुलर यूज़ करने के लिए भी कंफर्टेबल रहेगा मुझे, इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली दोनों की तरफ से। और वर्जन 4 आप लोग जानते हो बहुत ही मार्केट में पॉपुलर है, तो मैंने सोचा चलो टेस्ट राइड लेता हूँ। और मैंने देखा कि अरे बाप रे, देखने में तो ये गजब लग रही है और ये जो रेसिंग ब्लू कलर है वो तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, इसीलिए हमने ये बाइक परचेस कर लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है, वाइब्रेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जैसा क्लासिक वगैरह में तो आता है वाइब्रेशन, और काफ़ी अच्छा मुझे महसूस भी हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी घर चलते हैं, सबको सरप्राइज़ देते हैं और सबका रिएक्शन भी मैं लेता हूँ, मेरे फैमिली मेंबर और दोस्तों का। और अभी बाइक में पेट्रोल ज़रा सा भी नहीं है, तो पहले बाइक को पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, बाद में आगे घर तक पहुँच पाऊँगा। और अभी इसमें दिखा रहा है कि 1 लीटर पेट्रोल होगा इसमें, क्योंकि एकदम से डाउन है। और यहाँ पे गियर्स दिखाता है, आप देखिए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे बाइक लेके। और मैंने बाइक तो ये बाइक मैंने एक और खुशी के लिए भी लिया हुआ है जो मैंने आपको नहीं बताई ही। मेरे घर पे एक नन्ही परी का बॉर्न हो चुका है, तो नन्ही परी की याद में भी, और मतलब उसके स्पेशली उसके लिए ही बोल सकते हो, मायरा नाम है उसका, मैंने मायरा रखा है, तो इसके लिए ही मैंने लिया हुआ है। मैं उसको यादगार थोड़ा बनाना चाहता था, तो इसी तरह से मैंने यादगार थोड़ा बना दिया है। तो काफ़ी अच्छा मुझे महसूस हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है बाइक चला के। थोड़ा CC भी थोड़ी ज़्यादा हो गई और बजट भी हो गया, और बजट तो नहीं, बजट तो क्या है, बजट तो ऊपर नीचे होता रहता है भाई, लोग सब करते हैं, मेहनत करता हूँ मैं तो दिन रात करके, अपने मेहनत करते हैं, काम ढूंढते हैं, काम करते हैं। ऐसे YouTube के अलावा मेरा काम है YouTube में से, तो अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला है, तो क्या करें। अभी आप लोग यार सपोर्ट कीजिए मेरी YouTube चैनल को, आप बोलोगे उस तरह का हम लोग कंटेंट लाने का कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट माई YouTube चैनल ADP Vlogs।
तो अभी फटाफट से पेट्रोल भरवा लेता हूँ, दिखाता हूँ आज अहमदाबाद में पेट्रोल का प्राइस क्या है। तो 100 तो हो गया था, कुछ पेपर न्यूज़पेपर में भी आ रहा था 100 के पार, तो अभी देखते हैं कितना होगा, हुआ होगा। तो भाई लोग अभी मैं अपने घर से थोड़ा ही दूर हूँ और काफ़ी अच्छा मज़ा आ गया है थोड़ा बाइक चलाने में। तो क्या थोड़ा मुझे यूज्ड टू होने में टाइम लगेगा क्या, क्योंकि ये स्पोर्ट्स लुक वाला बाइक है और थोड़ा इसका सिटिंग पोस्चर कुछ उस तरह से है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है बाइक में, काफ़ी अच्छा पिकअप है, ब्रेक है और नॉर्मली कम्फर्टेबली मैं चला सकता हूँ, मज़ा आ रहा है मुझे। तो अभी जल्दी से घर जाएंगे और फैमिली वालों का और फ्रेंड्स का रिएक्शन भी मैं लेने वाला हूँ, तो बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। अगर हमारी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा दोस्तों। तो इसी तरह से आप सपोर्ट कीजिए तो बहुत मज़ा आने वाला है। धीरे धीरे हम इसके अंदर भी मॉडिफिकेशन करने वाला है, एग्जॉस्ट डलवाने वाले हैं, फिर और कुछ जो भी इसमें जो है वो सब करवाने वाले हैं। सबसे पहले इसका एग्जॉस्ट मैं ज़रूर चेंज कराऊंगा क्योंकि बहुत ही साइलेंट बाइक है, अगर चलता है तो बाजू वाले को भी पता नहीं चलता है कि बाइक जा रही है। इसके लिए इसमें हम लोग बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का अच्छा वाला एग्जॉस्ट डलवाएंगे जो थोड़ा नॉइसी हो, उतना भी ज़्यादा नॉइसी नहीं, थोड़ा नॉइसी हो। और काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये एंगल कैसा आ रहा है आप ज़रूर मुझे बताइएगा दोस्तों। और अगर आपने मेरा फुल डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो देखिए आप, और आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा तो उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, क्या क्या इसमें स्पेसिफिकेशन है, क्या है, पूरा डिटेल वीडियो है विथ ऑन रोड प्राइस।